पे ये देखो हमारा जो वेजिटेबल एग फ्राई है उसके लिए अंडा निकाल रहे हो भैया। ये आगे सरसों तेल साथ ही डाल रहे हैं ऑयल के साथ बीच से कट करके। आधी आ गया नहीं ये आ गया भाई टमाटर भैया। दुकान कहाँ पे है? नगर मुझे। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? 3 से 11। 3 से 11। ये आ गया भाई प्याज, यहाँ पे बेसिल भर के डाला भैया ने 12 रुपए भाई, 12 रुपए पर पीस, मतलब 120 रुपए पड़ेगा पूरा का पूरा। ये आराम से 2 से 3 लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा प्यारा दिख रहा है भाई, और ये बोल सकते हैं जो एरोमा आ रहा है इससे वो काफी हटके है। ये कौन सा मसाला आ गया भैया? गोलकी जीरा काला नमक गर्म मसाला। तो भाई 4 मसालों का मिक्सचर है ये। तो भाई ये मैंने पलट लिया अंडा, और देखोगे तो बहुत एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। भाई कितना टाइम लग जाएगा, कितना टाइम में हमारा जो अंडा वेजिटेबल फ्राई वो बन जाएगा? टाइम इसमें कुछ नहीं, तेज में करेंगे तो जल्दी होगा, धीमा में टाइम लगेगा। लेकिन आप यूजुअली देख रहे हैं कि ये लो फ्लेम पे ही बना रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है धीमा हाथ बनाने से? बढ़िया मतलब से भुन जाता है, जाता है। ये कौन सा मसाला लगेगा? वही मसाला ऊपर से डालता है, इसलिए डालता है कि पीछे से डालने के बाद जो प्याज टमाटर जो शिमला है ना वो गलेगा ना। ये आ गया नमक और मसाले, क्या बात है भैया। आगे ऊपर से नींबू, यहाँ पर लेमन को स्क्वीज कर दे भैया। कौन सा मारता है ऐसा सके और जीरा दिया। तो ये देखो आ गया टमाटो सॉस, ये क्या गजब है भाई, बहुत ही बेहतरीन। वो तरीका का यूज करके भाई यहाँ पे सर्व कर रहे हैं ना। ये देखो भाई स्टॉक पड़ गया ना, और बिना सॉस से डाले बनाए ठीक है। तो ये देखो आ गया हमारा वेजिटेबल एक्स्ट्रा है। और भैया एक बार एड्रेस बता दीजिएगा किसी को ही आना हुआ तो। नगर भाई ये है एड्रेस, और जब भी आपको इसका जायका लेना हो पहुंच जाओ भाई।